अच्छा जी, तो अस्सलाम वालेकुम। वापस आ गए जनाब। हम पहले हम खोल लेते हैं हमारी लाइव स्ट्रीम, अगर हम देख सकें यहाँ पे तो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो जा रहे हैं जनाब, हम लाइव स्ट्रीम पे आ गए हैं जनाब। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो आप देख लेते हैं जी। सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं, पिछली जो हमने पीछे पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जनाब। तो हमने पीछे पढ़ा था जी, कल हमने पढ़ा था कि जी स्ट्रिंग क्या होता है जनाब। स्ट्रिंग मैंने बताया था कि जनाब जो आपके कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको अगर आप इकट्ठा कर लेते हो, जैसे कि HELLO कैरेक्टर्स हैं, मैंने इकट्ठा कर दिया तो ये क्या बन गया, एक स्ट्रिंग। ठीक हो गया। और इसको इकट्ठा मैंने कैसे किया, एक ओपनिंग, मैंने एक ओपनिंग डबल कोट्स लगाए और क्लोजिंग डबल कोट्स लगाए, और उसके दरमियान मैंने जो भी लिखा वो बेसिकली आपस में जुड़ गया और वो एक स्ट्रिंग बन गया। उसके बाद हमने देखा था कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है, कि एक मशीन की तरह होता है जिसमें आप कोई भी इनपुट देते हो और वो कोई भी आउटपुट देती है। जिस तरह से मैंने ये मशीन दिखाई थी कि ये एक प्रिंट फंक्शन की तरह है, कि कोई भी पोटैटो आप इसके अंदर डालते हो और बेसिकली मशीन करती क्या है कि वो आउटपुट के तौर पे पोटैटो को काट के आपको आउटपुट के तौर पे दे देती है। तो इसको हमने देखा था। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कमेंट्स क्या होता है। कमेंट्स मैंने बताया था आपको कि कमेंट्स वो लाइन होती है कोडिंग के अंदर, पाइथन के कोड के अंदर, जो के इग्नोर कर देता है पाइथन, जनाब उनको चलाता नहीं है। वो हमारे लिए लिखी जाती हैं ताकि हम कोड को समझ सकें। ठीक हो गया। तो को मैंने दो किस्म की बताई थी कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट बताई थी, डबल लाइन कमेंट बताई थी। उसको मैंने डिबगिंग बताया था कि इसका मतलब ये होता है कि एरर कोड में से रिमूव करना जनाब। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग का बताया था कि स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस होता है कीबोर्ड पे आपने जितने भी आपके जो बेसिकली ABC वगैरह होता है। मिसाल के तौर पर मैंने कोई नाम लिखा है अली, तो ये बेसिकली क्या है, सीक्वेंस है किसका, कैरेक्टर्स का। तो इनके जब अली मिलेगा और मैं डबल कोट्स में लिखूंगा तो इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। इसी तरह हमने देखा था कि दो स्ट्रिंग्स को कैनकेटिनेट आप कैसे करते हो। तो उसमें हमने देखा था कि एक हमने स्ट्रिंग लिया था फैसल और दूसरा हमने लिया था जावेद, और उनके दरम्यान में अगर हम प्लस डालते हैं तो वो बेसिकली हो जाता है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक हो गया। ये हो गई हमारी जनाब सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। ये हमारी हो गई जनाब डबल लाइन कमेंट, तीन कोट्स स्टार्टिंग, तीन कोट्स एंडिंग, और दरम्यान में जो भी लिखोगे आप तो वो बन जाएगा कॉमेंट। और वो कौन से किस्म का कॉमेंट होगा, डबल लाइन कॉमेंट। ठीक हो गया। तो मैंने ये भी डिस्कस किया था कि हमने कॉमेंट क्यों यूज करते हैं। वो इसलिए यूज करते हैं ताकि हम जब अगली बार कोड को खोलें तो हम आराम से उन कमेंट्स को पढ़ के समझ सकें कि इस कोड में हो क्या रहा है। उसके बाद मैंने कहा था कि स्ट्रिंग वैसे ही डबल स्ट्रिंग क्या होता है, डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखते हो, डबल कोट स्टार्टिंग, डबल क्लोज क्लोजिंग, तो इसको आप कहते हो स्ट्रिंग। ठीक हो गया। अब मैंने स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट करवाना था, तो मैंने बेसिकली क्या किया, प्रिंट का फंक्शन यूज किया। प्रिंट को आप एक इनपुट देते हो और वो कुछ ना कुछ आउटपुट में करता है। तो इनपुट के तौर पर मैंने उसे दिया स्ट्रिंग, और उसने क्या किया, आउटपुट के तौर पर यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ये प्रिंट करवा दिया। ठीक हो गया, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या होता है, कि दो हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रिंग हैं, जैसे कि एक है फैसल, उस वो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है एक स्ट्रिंग है, एक है जावेद डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, और उन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो हम क्या यूज करते हैं, उनके दरम्यान में प्लस साइन अगर यूज करते हैं तो वो बेसिकली क्या हो जाता है, वो आपस में जोड़ जाता है। और इस तरह से हम उसको जोड़ के कंकैटिनेट करके प्लस के साइन के जरिए उसके बाद हम प्रिंट के साथ हम उसको यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो अब नाम मेरे ख्याल में अब लोग ज्वाइन करना शुरू कर गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम आगे चलते हैं जनाब। तो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं अपने। अच्छा, अब अगर आपने यूजर से इनपुट लेनी है तो आप क्या करोगे, आप जब भी किसी प्रोग्राम में जाते हो, कहीं भी आप ऐप के अंदर जाते हो, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, आपके एक फील्ड दिखाती है या कोई ना कोई तरीका प्रोवाइड करती है जिसके जरिए आप उसको कोई ना कोई इनपुट दे सको। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनपुट देने के लिए भी एक फंक्शन यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं इनपुट। ठीक हो गया जनाब। जिस तरह से प्रिंट फंक्शन ना, पहले फंक्शन का नाम होता है, उसके बाद आप पैरेंथेसिस खोलते हो और क्लोज करते हो, तो ये बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है जिसको कुछ ना कुछ आप इनपुट देते हो और कुछ ना कुछ वो क्या करता है, आउटपुट देता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो
प्रिंट बेसिकली क्या है, प्रिंट बेसिकली करता क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिंट आपका अगर यूजर ने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करना है और वो आपने एंड यूजर से कुछ भी टाइप करवाना है तो आप यूज करते हो प्रिंट फंक्शन, तो हम उसको देख लेते हैं जनाब प्रैक्टिस में कि प्रिंट किस तरह से काम करता है। तो अगर मैं करता हूँ इनपुट, फंक्शन का नाम लिखता हूँ, ओपनिंग पैरेंथिस लिखता हूँ, क्लोजिंग पैरेंथिस, ये जो आपके ब्रैकेट है ना जनाब, ये जो ब्रैकेट है इसको आप कहते हो पैरेंथिस, ठीक हो गया। तो ये ओपनिंग ब्रैकेट पैरेंथिसिस, क्लोजिंग ब्रैकेट पैरेंथिसिस, उसके दरम्यान में आप क्या करते हो, कोई ना कोई मैसेज प्रिंट करते हो, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इंटर योर नेम, ठीक हो गया, इंटर योर नेम। अच्छा, तो आप बेसिकली होगा क्या कि ये इनपुट के तौर पे ये स्ट्रिंग लेगा और यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा और हमारी इनपुट के लिए इंतजार करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं इस कोड को कर देता हूँ कमेंट और मैं इस कोड को भी कर देता हूँ जनाब कमेंट, ठीक हो गया जी। अब हम मैं जैसे ही ऊपर रन करता हूँ, इफ आई कैन डू इट, ओके, अब जैसे ही मैं रन के बटन पर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे देखो कि एक मैसेज प्रिंट होगा, ये देखो एंटर योर नेम, लेकिन अब यहाँ पे प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ बल्कि यहीं पर ही खड़ा है। ऐसा क्यों है, वो हमारी इनपुट का इंतजार कर रहा है, क्योंकि हम बेसिकली इनपुट फंक्शन यूज कर रहे हैं और इसका मकसद ये होता है कि यूजर से इनपुट लेना, हमसे इनपुट लेना कीबोर्ड के जरिए, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर लिखता हूँ नूरुल्लाह, ठीक हो गया। और जैसे ही मैं एंटर पे, जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ तो प्रोग्राम मेरा हो जाता है बंद, ठीक हो गया ये चीज। अच्छा, तो अब मैं करता हूँ दोबारा से रन, तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे स्टॉप आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रोग्राम अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। तो मैं फिर से लिखता हूँ मिसाल के तौर पर, मैं कहता हूँ अली, और जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ तो इसको देखना कि ये दोबारा रन में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेसिकली हमने जैसे ही एंटर करते हैं तो आपकी इनपुट वहीं पे ही खत्म हो जाती है, उसे पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, यूजर ने अपनी इनपुट दे दिया और खत्म कर लिया। जैसे मैं एंटर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक हो गया। तो आपका प्रोग्राम हो गया बंद, ठीक हो गया, क्लियर हो गया जनाब। अच्छा, अब यूजर से हमने इनपुट तो ले ली, ठीक हो गया, लेकिन अब उसमें मसला ये है कि यूजर से इनपुट तो ले ली, लेकिन वो इनपुट हमने कहीं पर स्टोर नहीं करवाई, कहीं पर रखी नहीं है, ठीक हो गया। तो अब हम उस पे थोड़ा सा आ जाते हैं कि हम इनपुट रखते बेसिकली कैसे हैं, तो उसके लिए हम आ जाते हैं वेरिएबल्स पे। अच्छा, तो वेरिएबल क्या होता है जी, मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको समझाऊं कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो वेरिएबल एक सिंपल सा डब्बा होता है जनाब, आपके कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर छोटा सा डब्बा होता है जिसमें आप कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करते हो, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता वेरिएबल, ठीक हो गया। बिल्कुल आसान अल्फाज में, अगर आपने अपना डेटा किसी कहीं पर स्टोर करवाना है, आप क्या बनाते हो, छोटा सा डब्बा बनाते हो और आप उसको कह देते हो वेरिएबल, और उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करते हो। कैसे, अगर मैं कोड में आऊं, मैं इसको कमेंट कर दूं और अगर मैं कोड में आऊं तो वेरिएबल बेसिकली आप लिखते कैसे हो, वेरिएबल सबसे पहले आप वेरिएबल का नाम लिखते हो, मिसाल के तौर पर मैं करता हूँ नेम, उसके बाद आप डालते हो इक्वल का साइन और आप इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू डालते हो, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर मैं इसमें डाल देता हूँ कि डबल कोट्स डाल के मैं एक स्ट्रिंग इसके अंदर डाल दूं। स्ट्रिंग मैंने बताया कि जो भी डबल कोट्स के अंदर आता है उसको आप स्ट्रिंग कहते हो। तो मैंने एक डब्बा बनाया जनाब, उसको मैंने बोल दिया नेम और उसके अंदर मैंने डाल दिया कुछ ना कुछ स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मिसाल के तौर पर ALI। तो अब मैंने क्या किया मैंने एक डब्बा बनाया नेम नाम का और उसके अंदर मैंने डाल दिया एक स्ट्रिंग, ठीक हो गया। तो मैं जैसे ही रन करूंगा तो ये इसके अंदर वो चला जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई नेम जो एक वेरिएबल मैंने बनाया है, जो एक डब्बा बनाया है, उसके अंदर अली की वैल्यू जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो है, वैसे ही उसने इसके अंदर वैल्यू डाल दी है। तो अब इसका जवाब ये है कि हम चेक कर सकें, एक तरीका है कि हम चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। हमारा सवाल क्या है, हाउ वी नो दैट अली स्ट्रिंग अली हैज बीन असाइंड, के वो टू वेरिएबल नेम, ठीक हो गया। हमें कैसे पता चलेगा जनाब, वो जो डब्बा हम कह रहे हैं जिसको हम वेरिएबल कह रहे हैं उसको हमने नाम दिया नेम और उसके हमने वैल्यू डाल रहे हैं अली, तो हमें कैसे पता कि वो चली। तो हम अब ये कर सकते हैं कि हम अपना प्रिंट फंक्शन चूज कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन हम क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन चूज करने के लिए हम करते हैं PRINT प्रिंट, उसके बाद आप डालते हो पैरेंथिसिस ब्रैकेट्स, और अब पहले हमने डाला था इसके अंदर स्ट्रिंग, तो उसने क्या किया था, स्ट्रिंग को लिया था
और वो कर दिया था यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट। अब मैं प्रिंट के अंदर अपना वेरिएबल भी दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, ये देखो ना, मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम नाम का और उसके अंदर मैंने डाल दिया एक स्ट्रिंग। तो अब मैं अगर चाहता हूँ कि मैं चेक करूँ कि वाकई इस नेम के अंदर ये वैल्यू अली असाइन हो चुकी है, इसके अंदर आ चुकी है या नहीं आ चुकी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट को देता हूँ नेम। तो अब बेसिकली प्रिंट क्या करेगा कि प्रिंट इस नेम के अंदर से वैल्यू उठाएगा, क्या वैल्यू है इस वक्त, अली वैल्यू है, वो उठाएगा और वो क्या करेगा स्क्रीन पे जाके प्रिंट कर देगा। तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि वाकई इस वेरिएबल, ये जो डब्बा हमने बनाया नेम जिसको हम वेरिएबल कह रहे हैं, उसके अंदर ये वैल्यू उसने डाल दी है या नहीं डाल दी। मैं जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो जनाब, ये देखो, ये देखो, ठीक हो गया, ये देखो, ये देखो, अली आ गया जनाब। तो हमें कंफर्म हो गया कि हाँ, इसने डब्बे के अंदर जो हम नेम जिसको हम कह रहे हैं उसके अंदर उसने अली की वैल्यू डाल दी है, ठीक हो गया। इसी तरह से हम और वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक होगी। तो मैं इसको यहीं पर ही रहने देता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक हो गया। चलो तो अब एक और वैल्यू डिक्लेयर करते हैं जनाब। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैं टेम्परेचर की वैल्यू लिखता हूँ, मैं के टेम्परेचर, ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, TEM, मैं अवेरिएबल का नाम लिखता हूँ और मैं टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे स्टोर करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 32 डिग्री है, ठीक हो गया। तो मैंने लिख दिया वेरिएबल का नाम टेम्परेचर और उसके बाद मैंने इक्वल लगाया। इक्वल का मतलब है कि ये जो राइट पे वैल्यू पड़ी है वो इसके अंदर डाल दो, ठीक हो गया। अब मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि टेम्परेचर के अंदर 32 आ गया, तो वही अगेन आप प्रिंट जाओगे, प्रिंट फंक्शन लिखोगे, उसके अंदर आप सिंपल पास करोगे टेम्परेचर, ठीक हो गया। ये देखो सिंपल ये वेरिएबल का नाम पास करोगे, तो ये प्रिंट क्या करेगा कि इस वेरिएबल की वैल्यू जो 32 ने रखी थी वो लेके आएगा यहाँ पे और प्रिंट क्या करेगा उसको प्रिंट करते। मैं जैसे ही रन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो, हाँ ठीक हो गया। अच्छा, हमने अब तक जो सीखा है वो ये सीखा है कि जी प्रिंट कैसे यूज करते हैं, उसके बाद हमने इनपुट देखा कि इनपुट का फंक्शन यूज करके हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वेरिएबल किसी भी वेरिएबल जो कि हम एक डब्बा कह रहे हैं कि मेमोरी के अंदर एक डब्बा कैसे बनाते हैं जिसके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, तो उसको करने के लिए आपने पहले उस डब्बे का नाम देना पड़ेगा, उसके बाद इक्वल का साइन दिखाना पड़ेगा और उसके बाद आपने वो वैल्यू जो डब्बे के अंदर रखनी है वो डालनी पड़ेगी। तो ये इस डब्बे के अंदर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने चेक करना हो कि ये डब्बे में वैल्यू चली गई या नहीं चली गई, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम प्रिंट का फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट लिखेंगे, उसके बाद हम सिंपल उसके बाद वो जो डब्बे का नाम हमने रखा था नेम वो उसको दे देंगे, तो वो बेसिकली क्या करेगा कि प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे। तो हमने दो वेरिएबल, ये देखो, दो वेरिएबल हमने बनाए, डब्बे बनाए, दो वैल्यूज उसने स्टोर की और फिर नीचे जाके उसको प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक हो गया। अब ये दोनों हमने कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा, तो वो चीज हो गई। अच्छा, अब ये जो नाम हमने दिया है वेरिएबल को, तो इस नाम के ना कुछ रूल्स होते हैं, ठीक हो गया। अब मैं आपसे बताता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, ये हो गया। अच्छा, अब मैंने इस वक्त दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं अब तक, मैंने वही जो डब्बे मैं कह रहा हूँ कि डब्बे हमने बनाए मेमोरी के अंदर, उनको मैं वेरिएबल ही कह रहा हूँ, ठीक हो गया। अब मैंने जो इनको नाम दिया ना, जैसे मैंने इनको नेम दिया और उसमें इनको टेम्परेचर दिया, ठीक हो गया। तो ये नाम रखने के ना कुछ रूल्स होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, देर आर फ्यू रूल्स टू नेम आर वेरिएबल्स, ठीक हो गया। मतलब के हमारे ये जो वेरिएबल के नाम हमने लिखे हैं जैसे नेम और टेम्परेचर, तो इनको लिखने के ना कुछ रूल्स होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, हम रूल्स देख लेते हैं। अच्छा, रूल नंबर 1 क्या है जनाब, रूल नंबर 1 ये है कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट, ठीक हो गया। अल्फाबेट कहाँ से आता है, अल्फाबेट आता है ए ए टू जी और अंडरस्कोर, ठीक हो गया, अंडरस्कोर। अच्छा ठीक हो, अच्छा रूल नंबर 1 आ गया जनाब। रूल नंबर 1 ये है कि आपके वेरिएबल का जो पहला कैरेक्टर है, ये देखो इसका क्या पहला कैरेक्टर है, एन, इसका पहला कैरेक्टर है टी, तो ये या तो आपका ए से लेकर जेड के दरमियान में होगा, कीबोर्ड के ऊपर ए से जेड आ रहा है, या ए से जेड के दरमियान में होगा, या फिर अंडरस्कोर होगा। अंडरस्कोर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अंडरस्कोर अगर आप कीबोर्ड पे जाएं अपने, तो आप 1 से लेकर 0 ऊपर आ रहा है ना कीबोर्ड पे, साथ जाएं तो 0 के बिल्कुल राइट वाली जो की है उसको अगर आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये अंडरस्कोर आ जाएगा, ये होता है अंडरस्कोर। ये देखो, ये एक डैश टाइप नहीं आ रहा,
ये अंडरस्कोर है, ठीक हो गया। अच्छा, या ये आ सकता है या कोई अल्फाबेट्स पहला कैरेक्टर आ सकता है वेरिएबल्स के नाम में, जैसे ये वेरिएबल का नेम है और ये वेरिएबल का नेम है। अच्छा, एक रूल तो ये हो गया जनाब, ठीक है, हम चेक करते हैं उसको बाद में कि ये ठीक है या गलत है। रूल नंबर टू क्या है कि वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फाबेट ए टू जी अंडरस्कोर, ठीक हो गया जी। तो इसको मैं जरा, इस पे जब क्लिक करोगे तो ये जो है वो थोड़ा सा आपके पास यहाँ पे जगह आ जाएगी, जाएगी, ताकि हम इसको सही से देख सकें कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक हो गया। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर क्या था, शिफ्ट और जीरो के राइट वाला, ये देखो ठीक हो गया। अंडरस्कोर और, या आप क्या दे सकते हो, बेसिकली नंबर, नंबर नंबर, ठीक हो गया, नंबर नंबर कौन सा, 0 to 9, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये दो हमारे पास रूल हैं, तो हम चेक कर लेते हैं जनाब। हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, देखो ना, वेरिएबल का रूल नंबर वन क्या है कि या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, ठीक हो गया। ये देखो अंडरस्कोर क्या होता है, मैं यहाँ ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ आगे, ठीक हो गया। ये देखो ब्रैकेट, ये होता है अंडरस्कोर, ठीक हो गया। या इससे स्टार्ट होगा या ए टू जेड के दरम्यान में से कुछ भी स्टार्ट होगा, ठीक हो गया, इसके अलावा स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक हो गया। तो अब मिसाल के तौर पर मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ वन, मैं कहता हूँ वन वन, मैं वेरिएबल का नाम रखता हूँ, जो डब्बा है उसको नाम रखता हूँ वन रूल इज इक्वल टू फाइव। तो क्या ये चलेगा, ये देखते हैं क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, हो गया जी। अच्छा, ये देखो जनाब, ये देखो, ये देखो आ गया, आ गया एरर जनाब, ये देखो आ गया, ठीक हो गया। क्यों एरर आया, क्योंकि मैंने रूल नंबर वन वायलेट कर दिया। रूल नंबर वन ये कहता है कि वेरिएबल के नाम का पहला कैरेक्टर जो है या अंडरस्कोर होगा या ए से जेड के दरम्यान में होगा, लेकिन मैंने क्या डाला, ये देखो वन डाला, तो ये मेरा क्या है, एरर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस विल कॉज एरर बिकॉज वी डिडंट स्टार्टेड, वी डिड नॉट स्टार्टेड वेरिएबल नेम विद अंडरस्कोर और अल्फाबेट, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूं अंडरस्कोर के साथ तो क्या ये चलेगा, तो मैं वन की जगह क्या डालता हूं, ये देखो अंडरस्कोर, ठीक हो गया। और फिर मैं लिखता हूं रूल और इज इक्वल टू फाइव, तो क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो अब सवाल तो ये है, तो अब रूल नंबर वन तो हमने फॉलो कर लिया जनाब, कोई वॉयलेट नहीं हो रहा। अगर अब अगर मैं रन करूं, ये देखो चल गया, ठीक हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि हमने रूल को सही से अप्लाई किया, और आप देख सकते हो कि पहला कैरेक्टर या अंडरस्कोर हो या अल्फाबेट हो, और वो रूल पूरा है, पहला कैरेक्टर क्या है, अंडरस्कोर है, ठीक हो गया। अच्छा, दिस इज, मैंने ये कमेंट डालता हूं इसके आगे, दिस इज वैलिड बिकॉज फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक हो गया, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम इज अंडरस्कोर, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब दूसरा रूल ये कहता है कि फर्स्ट कैरेक्टर के अलावा ना, फर्स्ट कैरेक्टर के अलावा जो है ना, वो आप ए टू जी भी यूज कर सकते हो, 0 to 9 भी यूज कर सकते हो, और अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो, ठीक हो गया। तो मैं उसका मतलब बताता हूँ, मिसाल के तौर पर अब मैं कहता हूँ कि पहला लेटर मैं अल्फाबेट ही यूज कर सकता हूँ, कर लेता हूँ, ठीक हो गया। मैं कहता हूँ रूल, मैं कहता हूँ MONEY, मनी 7 8 9, ठीक हो गया। तो अब मैं पहला लेटर तो डिजिट यूज नहीं कर सकता 0 के दरमियान, ठीक है, एम की जगह मैं 0 से लेकर 9 तो नहीं यूज कर सकता, लेकिन आगे वेरिएबल के नाम में मैं कहीं भी जो है वो 0 से लेकर 9 के दरमियान में डिजिट यूज कर सकता हूं। तो अब मैं इसके अंदर डाल देता हूं वैल्यू, मिसाल के तौर पर 50। तो अब देखते हैं कि यह चलेगा या नहीं चलेगा वो यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये इतनी ज्यादा आउटपुट आई गई है, तो मैं ना चाहता हूँ कि ये सारा सारा साफ हो जाए। तो ये देखो ऊपर ये कचरा, ये देखो ना, थोड़ा डस्टबिन बना हुआ है यहाँ पे, इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो ये देखो सारी की सारी हिस्ट्री साफ हो जाएगी जैसे। तो अब ये क्लीन स्लेट आ गई हमारे पास। अब अगर मैं इसको रन करूं तो क्या ये एरर देगा या नहीं देगा, सवाल तो ये है। तो ये देखो एरर नहीं दिया, तो इसका मतलब ये है कि हमने रूल सही से फॉलो किया है वेरिएबल को, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, तो वो क्या है कि आप कह रहे हैं कि आप अंडरस्कोर आगे भी यूज कर सकते हो, ठीक हो गया। आपने सिर्फ पहला पहला जो आपका लेटर है ना वेरिएबल का नाम का, वो सिर्फ आपने ख्याल रखना है कि अंडरस्कोर और अल्फाबेट के अलावा ना आए, वरना आगे देखो कि आगे जो आप जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना वेरिएबल के नाम के, तो उसमें आप नंबर भी यूज कर सकते हो और अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसके बगैर नहीं यूज कर सकते, ठीक हो गया। सिर्फ अल्फाबेट यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, या नंबर यूज कर सकते हो, उसके अलावा आप
वेरिएबल नेम के अंदर कुछ भी कीबोर्ड से यूज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपको करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं कोई भी इसका नाम, ठीक हो गया, मैं कहता हूँ एड्रेस, एड्रेस, और उसके बाद मैं यूज कर लेता हूँ मिसाल के तौर पर परसेंटेज, और मैं करता हूँ इक्वल टू 40, तो क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा, हम चेक कर लेते हैं जनाब। तो क्या ये एरर देगा हमें या नहीं देगा? ये देखो एरर दे दिया, ठीक हो गया। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक और लिख देता हूँ, वी कैन नॉट यूज वी कैन नॉट यूज कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स अदर देन अल्फाबेट, ठीक हो गया, अल्फा अल्फाबेट, ठीक हो गया, डिजिट्स और अंडरस्कोर, अंडरस्कोर इन वेरिएबल नेम, ठीक हो गया, इन वेरिएबल वेरिएबल नेम, ठीक हो गया, ये हो गया, ठीक हो गया, अच्छा ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर, हमने एक वेरिएबल डब्बा बनाया जिसे हम वेरिएबल कह रहे हैं, और उसके अंदर हमने वैल्यूज डाल दिया। तो अब तक हम कितने बना चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो अच्छी खासी हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है वेरिएबल को बनाना और उसके अंदर वैल्यू डालने की, ठीक हो गया। अच्छा अब हमें इनपुट का भी पता चल गया जनाब। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या है, ठीक हो गया। तो ये रूल्स मैंने लिखे हुए हैं जनाब, ये देखो सारे सारे के सारे मैंने रूल्स इसमें लिखे हुए हैं। तो अब ये है, अच्छा ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि हम, मेरे ख्याल में इनपुट का एक बार ट्राई कर लेते हैं। अब हम करना क्या चाहते हैं, पहले अगर आप याद हो आपको, तो मैंने एक इनपुट फंक्शन यहाँ पे यूज किया था, लेकिन इसमें मसला ये था कि ये इनपुट तो मुझसे ले रहा था, ये देखो ना, ये यूजर, ये मुझसे इनपुट तो ले रहा था, ये मुझसे इनपुट तो ले रहा था, लेकिन मसला ये है कि वो इनपुट मैं कहीं स्टोर तो करवा नहीं रहा था। क्योंकि ये क्या करता था, इनपुट फंक्शन जैसे ही चलता है वो एक मैसेज प्रिंट करवाता है, जो भी मैं उसको मैं पास करता हूँ, जैसे मैंने उसे स्ट्रिंग के तौर पे पास किया एंटर योर नेम, तो उसने स्क्रीन पे प्रिंट तो करवा दिया, और मैंने रुक भी गया मेरे लिए कि मैं टाइप कर लूँ। जैसे मैंने एंटर पर क्लिक किया तो वो बंद हो गया, वहीं पर खत्म हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद उसने कोई भी मतलब वैल्यू कहीं पर भी स्टोर नहीं की, किसी भी डब्बे के अंदर स्टोर नहीं की। तो अब मैं चाहता क्या हूं, मैं नीचे लिख देता हूं, आई वॉन्ट टू टेक वैल्यू फ्रॉम यूजर, ठीक हो गया, यूजिंग इनपुट फंक्शन एंड स्टोर दैट वैल्यू इनटू अ वेरिएबल, जिसे मैं डब्बा कह रहा हूं, ठीक हो गया, इनटू अ वेरिएबल, ठीक हो गया। अच्छा मैं ये करना चाहता हूं। तो अब अगर आप देखो तो दो पार्ट्स हैं इस चीज के, ठीक हो गया। पहली पार्ट तो यह है कि मैं यूजर से कुछ ना कुछ इनपुट लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम पहले हम स्टेप नंबर वन कर लेते हैं जनाब। तो स्टेप नंबर वन पूरा कर लेते हैं, स्टेप नंबर वन में क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट लेनी है, ठीक हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, इनपुट फंक्शन का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस, और कुछ ना कुछ मैसेज उसे दूंगा कि ये कर दो, ठीक हो गया। मैं उसे कहता हूँ एंटर योर नेम, ठीक हो गया, एंटर योर नेम। तो अब अगर मैं एंटर करता हूँ तो वो मुझसे इनपुट मांगना मांगने लग जाएगा यहाँ, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं, ये देखो आ गया, ठीक हो गया। तो मैं लिखता हूँ नूर मिसाल के तौर पर, और मैं एंटर क्लिक करता हूँ, तो ये आपने, क्योंकि मैंने दो बार कर दिया मेरे ख्याल में, हाँ ये देखो ना, दो बार कर दिया, जितनी बार करोगे उतनी बार मैसेज आएगा। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, मैं उसको कमेंट कर दिया, मैंने क्या किया, मैंने दोबारा किया। तो अब ये लाइन जैसे चलेगी तो एक बार इनपुट वो लेना शुरू कर देगा। तो मैं कहता हूँ नूर, और मैं एंटर पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो गया, ये देखो ना, ये स्टॉप हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने इनपुट ये वाली ली है वो ना मैं किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूं, ठीक हो गया। तो अब उस पे आते हैं, अब मैं करता हूं वेरिएबल का नाम, लिखता हूं, उसको कहता हूं मैं नेम, और उसके बाद उसमें मैं वैल्यू कौन सी असाइन करूंगा, मैं वैल्यू असाइन करूंगा जो इनपुट फंक्शन यूजर से लेगा, ठीक हो गया। अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल करता हूँ, इक्वल का मतलब है कि इस जो लेफ्ट वाले वेरिएबल का पड़ा नेम नाम का, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू डाल दो। वैल्यू कौन सी डालनी है जनाब, वैल्यू वो जो यूजर ने इन वो यूजर ने जो डाली है इनपुट के तौर पे, तो उसमें क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनपुट, ठीक हो गया। मैं उसको कोई ना कोई मैसेज दूंगा, एंटर योर नेम, और ये। तो अब बेसिकली हो ये यहाँ पे रहा है कि जब आप इस तरह से इनपुट को फंक्शन को लिखते हो इक्वल के राइट साइड पे, तो बेसिकली ये करता क्या है कि ये बेसिकली ये सबसे पहले चलता है ये इनपुट फंक्शन, ठीक हो गया। तो ये करेगा क्या कि यूजर को यहाँ पे मैसेज देगा एंटर योर नेम, तो जैसे ही यूजर यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू प्रिंट लिखेगा और एंटर पे क्लिक करेगा, क्या कहा मैंने, जैसे ही वो एंटर पे क्लिक करेगा तो ये जो इनपुट है बेसिकली ये एक वैल्यू वापस कर देगा आउटपुट के तौर पे, और वो वैल्यू मैं स्टोर करवा लूंगा नेम के अंदर, सिंपल इज दैट, ठीक हो गया। अब
मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या जो इनपुट के फंक्शन के जरिए मैंने यूजर से जो इनपुट ली है, क्या वो नेम के वेरिएबल को डिब्बा बनाया था उसके अंदर स्टोर हो चुकी है या नहीं, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा। जरा प्रिंट करके चेक कर लूंगा ना कि नेम के अंदर वो वैल्यू आई है या नहीं आई। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट, और मैं उसके अंदर उसको क्या देता हूँ, नेम वेरिएबल। ठीक हो गया। तो ये क्या होगा बेसिकली कि ये नेम के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो प्रिंट को चली जाएगी और प्रिंट जहां पे प्रिंट करवा देगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब अगर मैं रन पे क्लिक करूँ तो ये देखो मेरे पास दोबारा मैसेज आ गया और मेरे लिए रुक गया। ये देखो ना यहाँ पे, ये देखो ये स्टॉप का आ गया बटन। ठीक हो गया, प्रोग्राम अभी तक चल रहा है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे डालता हूँ नूर, तो अब ये देखो जैसे ही मैं एंटर पर क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा, ये इनपुट फंक्शन इसको ये वाली वैल्यू दे देगा नेम, तो नेम के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और अगली देखो जैसे ही अगली स्टेटमेंट चलेगी तो क्या होगा कि वही जो नेम के अंदर वैल्यू पड़ी है जो कि इनपुट फंक्शन ने दी है वो मैं क्या कर रहा हूँ प्रिंट, तो यहाँ पे नीचे मेरा नेम प्रिंट हुआ वो आ जाएगा जो मैंने इनपुट के तौर पर दिया है। ये देखो ठीक हो गया। तो अब मैंने क्या कर लिया कि स्टेप टू भी मैंने अपना कर लिया। ठीक हो गया, तो स्टेप टू भी मैंने वो कर लिया। ठीक हो गया, स्टेप वन एंड टू भी मेरे पर मिले, देखते हैं। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आगे। ठीक हो गया, जहां तक मेरे ख्याल में हमारा क्लियर हो गया। हमने वेरिएबल देख लिया, हमने वेरिएबल के रूल्स देख लिए, हमने इनपुट फंक्शन देख लिया और उसे हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं और किसी वेरिएबल में स्टोर कैसे करते हैं, स्ट्रिंग्स डिबगिंग वगैरह 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 वगैरह। ठीक हो गया, तो ये हमारा यहाँ तक खत्म हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे जनाब। तो आगे देख लेते हैं जी, तो आगे हम देखते हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब आ गई हमारी जो है वो लेक्चर नंबर 2 आ गया जनाब। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें देखते हैं क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं डेटा टाइप। ठीक हो गया, डेटा टाइप क्या बोला होती है जरा, डेटा टाइप क्या होती है, डेटा टाइप में देखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हो ना, अपनी असली जिंदगी में जाते हो ना, तो आप ना डेटा दुनिया में ना मुख्तलिफ किस्म का देखते हो। जैसे कि अगर आप पेट्रोल डलवाने जाते हो ना तो आप मीटर देखते हो, तो उसमें ना वैल्यूज आ रही होती है पॉइंट्स पॉइंट्स टाइप। मिसाल के तौर पर आपको आता है 289.5, 284.5, इस तरह की वैल्यूज आ रही होती है। तो वो डेटा की एक टाइप होगी जो के बेसिकली ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनमें पॉइंट आता है। ठीक हो गया, 28.5, 28.6, 1.5 वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, अब दूसरी किस्म का डेटा वो होता है जो के जिनमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आती, होल वैल्यूज, जिस तरह से 1, 5, 10, 20, 30, -20, इस तरह की वैल्यूज। ठीक हो गया, जिनमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आती तो उनको हम कहते हैं होल वैल्यूज। तो एक तो डेटा का ये टाइप होती है, दूसरी ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगी। मिसाल के तौर पर आप अपने एसी का टेम्परेचर ऊपर करना है तो क्या आप 18.5 कर सकते हो या 20.5 कर सकते हो, नहीं, 18, 19, 20, 30, 14, 15, 16, इस तरह से 50, 20, 30 जो भी है। तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली होल नंबर में आप ऊपर नीचे से वो कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो वो डेटा की एक टाइप हो गई। इस तरह से अगर आप जूता लेने जाते हो, ठीक हो गया, तो जूतों में लेने जाते हो तो कौन से नंबर होते हैं, 40, 41, 42, 43, 44। तो ये डेटा की एक किस्म आ गई, पॉइंट वाली एक किस्म आ गई। ठीक हो गया, तो वो जो पॉइंट वाली वैल्यूज हैं दुनिया में जहां भी यूज हो रही हैं, पॉइंट वाली वैल्यूज जहां, जैसे मैंने कहता हूँ मुझे 1.5 किलो टमाटर लेने हैं या 1.5 किलो सेब लेने हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो मैं क्या करूँ, 1.5 kg। ठीक हो गया, तो ऐसी वैल्यूज को हम कहते हैं फ्लोट वैल्यूज। क्या कहता हूँ, क्या कहते हैं ऐसी वैल्यूज को, फ्लोट वैल्यूज, क्या कहते हैं, फ्लोट वैल्यूज। ठीक हो गया, फ्लोट वैल्यूज। ठीक हो गया, मिसाल के तौर पर 2.3, 0.5, 1.5, ठीक हो गया, इस तरह से इसी तरह से 0.5 समथिंग एटसेट्रा। ठीक हो गया, तो इनको कहते हैं जरा फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक हो गया, फ्लोट वैल्यूज, जिनमें अब बेसिकली डॉट आता था, सिंपल इज दैट। अच्छा, दूसरी वैल्यू जो मैंने बात कर रहा था जिनमें पॉइंट नहीं आता उनको कहते हैं इंटीजर वैल्यूज। ठीक हो गया, इंटीजर वैल्यूज। ठीक हो गया, जिस तरह से मैं कह देता हूँ 10, -10, ठीक हो गया, -10, 5, 506, इस तरह की वैल्यूज। ठीक हो गया, एटसेट्रा। ठीक हो गया। अच्छा, तो हमने देखा कि दुनिया में इसमें दो तरह के डेटा इस तरह से हमें मिलते हैं, जो एक को होता है जिसमें जिन वैल्यूज के अंदर आपका पॉइंट आता है
और एक वो है जिनमें पॉइंट नहीं आता, ठीक हो गया। अच्छा अब और हमारे पास डेटा टाइप कौन सी होती है, एक होती है जनाब हमारे पास बुलियन, ठीक हो गया। अच्छा बुलियन क्या होती है, अच्छा बुलियन डेटा टाइप ऐसी डेटा टाइप होती है जिसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज होती है, या जीरो होती है या वन होती है, ठीक हो गया। जिस तरह से अगर आप घरों में देखते हैं आपके स्विचेस लगे होते हैं, तो आपने पंखा या ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, या जीरो में है या वन में है, ऐसा ही है। अच्छा ठीक हो गया। आप अगर बाइक को जाके चलाते हो तो आप इंजन में जो जब सॉरी ऊपर जब आप की डालते हो तो आप जा उसको ऑन करते हो या ऑफ करते हो, जीरो या वन, ठीक हो गया। तो इस तरह के डेटा को कहते हैं बुलियन डेटा टाइप, क्या कहते हैं इसको, या कह लो बुलियन वैल्यूज, जिनमें पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ ट्रू या फॉल्स, ठीक हो गया, ट्रू या फॉल्स, ठीक हो गया, ट्रू या वन, फॉल्स या जीरो, ठीक हो गया। तो इस तरह के डेटा को आप कहते हो बुलियन वैल्यू, जीरो या वन, सिर्फ इसी फॉर्म में ऐसा डेटा होता है, ठीक हो गया। अच्छा अब चौथी किस्म का डेटा क्या होता है, चौथी किस्म का डेटा होता है जनाब स्ट्रिंग, ठीक हो गया। अब अगर मिसाल के तौर पर मैंने आपका नाम सेव करना है कंप्यूटर के अंदर, ठीक हो गया, या मैं आप या कह लो कि दुनिया में आप देखते हो बुक्स के टाइटल लिखे होते हैं, आपका नाम है, इसी तरह जो भी बेसिकली अल्फाबेट से या उसके अल्फाबेट से नंबर्स के मिक्सचर से मिलके बनी हुई बना हुआ डेटा होता है ना, उसको आप स्ट्रिंग डेटा कहते हो, ठीक हो गया। मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा रूल, मैंने लिखा अली, ठीक हो गया, अली, मैंने लिखा रूल वन, ठीक हो गया, रूल वन, मैंने लिखा रूल फाइव, ठीक हो गया। तो इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं इनको हम कहते हैं स्ट्रिंग वैल्यूज। तो अभी तक हम कितनी स्ट्रिंग वैल्यूज यूज कर सकते हैं, कर चुके हैं, ये देख लो, एंटर योर नेम, तो ये क्या है, डबल, जब भी डबल कोट्स के अंदर वैल्यूज आए ना, तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या है, बेसिकली एक स्ट्रिंग है, ठीक हो। तो ये देखो ये पूरे का पूरा स्ट्रिंग है, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं ऊपर जाके देखूं तो ये देखो अली यहाँ पे लिखा है, ये पूरे का पूरा स्ट्रिंग है, ये देखो फैसल पढ़ा था, जावेद पढ़ा, तो ये स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज है। तो इस तरह से हमने देखा कि बेसिकली दुनिया के अंदर चार तरह का डेटा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा कोई नहीं होता, इसके अलावा भी होता है, लेकिन बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि बेसिकली इस तरह का डेटा होता है, ठीक हो गया, फ्लोट, इंटीजर, बूलियन और स्ट्रिंग, ठीक हो गया। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा अब मैंने यहाँ पे अगर किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालनी है, तो मैं अब मैंने ये देखो ना, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था रूल नाम का, इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू डाली है, इंटीजर, मनी 7 and 9 वेरिएबल का नाम बताया था, डब्बा जो बनाया था उसके अंदर वैल्यू किस टाइप की डाली है, देखो 50, ठीक हो गया। अच्छा अब इसी तरह से मिसाल के तौर पर मैं कह लो, मैं टेम्परेचर, टेम्परेचर तो हम कर चुके हैं पहले, अच्छा कह लो कि हम और क्या कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यूज, फ्लोट वैल्यूज में हम क्या कह सकते हैं, ठीक हो गया, मिसाल पे तौर पे कह लेते हैं कि फ्रूट वेट, ठीक हो गया, मैं लिखता हूँ फ्रूट वेट, ठीक हो गया, और इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ इक्वल टू 1.5 kg, ठीक हो गया। अच्छा तो ये क्या है जनाब, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज डाली है, ठीक है, फ्लोट पॉइंट, फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू डाली है मैंने, ठीक हो गया। अच्छा इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ पेट्रोल प्राइस, और मैं उसके अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालता हूँ, मिसाल के तौर 235.6, ठीक हो गया। तो ये मैंने क्या यूज कर दी जनाब, फ्लोटिंग वैल्यू वैल्यू यूज कर दी, ठीक हो गया। इसी तरह से मैंने स्ट्रिंग भी यूज कर चुका हूँ यहाँ पे, ये देखो ये मैंने इंटीजर भी यूज कर चुका हूँ, और मैं बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिंग भी यूज कर चुका हूँ, ठीक हो गया। अच्छा अब अगर मैं बुलियन को यूज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे पाइथन बेसिकली दो कीवर्ड्स देता है, ठीक हो गया। अच्छा कीवर्ड्स क्या होते हैं जनाब, तो कीवर्ड जो होता है, कीवर्ड जिस तरह से मिसाल के तौर पर मैं आपको ना आसान अल्फाज में अगर बताऊं ना, तो अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन डेरिवेशन पढ़ी हुई है ना, तो उसमें आपको मिले होंगे डी वाई और डी एक्स। इसी तरह से अगर रोजमर्रा की जिंदगी में आप कहीं पर कुछ लेने जाते हो ना, आप गोश्त लेने जाते हो, टमाटर लेने जाते हो, तो आप एक बेसिकली वर्ड बार बार यूज कर रहे हो, तो कह लो उसको केजी 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 केजी। अच्छा ठीक हो गया। तो क्या ये जो डी वाई डी एक्स मैं इंटीग्रेशन डेरिवेशन के लिए यूज करता हूँ, और जो केजी मैं आपके लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ इस चीज के लिए, तो क्या इसका मतलब मैंने खुद डिफाइन किया है, क्या इसका मतलब मैंने डिफाइन किया है, ना इसका मतलब मैंने डिफाइन नहीं किया, मैं सिर्फ इसको यूज करता, ठीक हो गया, मैंने सिर्फ बुक में जाके पढ़ा कि अगर
मैं केजी कहूंगा तो इसका ये मतलब होगा, और मैंने इसे यूज कहाँ कहाँ करना है, और मैं जाके उसको यूज करता हूँ। तो उसका मतलब किसने डिफाइन किया? वो जिस भी बंदे ने, जो भी मैथमेटिकल साइंटिस्ट था, जिस बंदे ने उसकी थ्योरी पेश की, सारा किया, उसका उसने मतलब निकाला और उसने दुनिया को बताया कि ये मतलब है, और सबने मान लिया और सब उस तरह उसको यूज करते हैं। तो इसी तरह से पाइथन के अंदर बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं जो कि पाइथन जो है वो पहले से उनका मतलब बता देती है, और हम सिर्फ क्या करते हैं, उन वर्ड्स को यूज करते हैं उस चीज के लिए जिसके लिए वो बेसिकली यूज हो रहे हैं। जैसे केजी है तो उसको केजी के लिए यूज कर रहे हो आप, डी वाई डी एक्स है तो इंटीग्रेशन के लिए यूज करो। इसी तरह से इसमें वर्ड्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं बूलियन पे। ठीक हो गया, बूलियन डेटा टाइप। तो उसको किस तरह से हम पाइथन में लिखते हैं? तो पाइथन में बूलियन वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर डालने के लिए आप क्या करते हो? मैं कहता हूँ फैन फैन स्विच नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं इसमें डालना चाहता हूँ, अगर वैल्यू मैं इसके अंदर वैल्यू डालना चाहता हूँ 0 1, जो कि ट्रू है बेसिकली। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ TRUE। तो अब अगर आप गौर से इसको देखो ना, कलर चेंज हो जाएगा इसका। जरा गौर से देखना ना, मैं अगर इसको ये नहीं देख, ये देखो इसका, देखो ना बिल्कुल व्हाइट कलर आ रहा है TRUE। जैसे ही मैं ई दबाऊंगा तो इसका कलर ऑटोमेटिकली जो पाइथन है इसको चेंज कर देगा। ये देखो चेंज कर दिया, ये देखो। तो इसका मतलब वो समझ गया कि ये तो भाई पहले से मेरे पास डिफाइंड है, इसका मतलब तो मुझे पहले से पता है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो लेफ्ट में वेरिएबल पड़ा है उसके अंदर कौन सी वैल्यू डाल दो, 1। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं दोबारा से वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, ठीक हो, ये ट्रू आ गया। तो अब अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि बेसिकली फैन स्विच के अंदर वैल्यू कौन सी गई है, तो मैं क्या यूज करूंगा जनाब? प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक हो गया। तो मैं करूंगा प्रिंट और तो मैं वेरिएबल दे दूंगा फैन स्विच। मैं जैसे ही रन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या आता है। ओ माय गॉड। अच्छा, वो पीछे वाला वो स्टेटमेंट चल रही है अभी तक इनपुट वाली, तो मैं उसको ठीक हो। अब मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ तो ये देखो आ गया जनाब ट्रू। ठीक हो गया। तो हमें कंफर्म हो गया कि हाँ ठीक है, फैन स्विच जो वेरिएबल था उसके अंदर वैल्यू ट्रू स्टोर होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसमें फॉल्स डालना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या करूंगा? तो मैं फिर सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रू की जगह लिखूंगा एफ कैपिटल AL, फिर देखना इसका भी कलर चेंज हो जाएगा SE। ये देख कलर चेंज हो गया। तो इसका मतलब है कि ये बेसिकली क्या है, ये कीवर्ड है, ये पहले से पाइथन को पता है कि इसका मतलब क्या है, हम उसे सिर्फ यूज करते हैं। उसको हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, उसको हम फॉल्स वैल्यू के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया, जो कि बेसिकली जीरो भी हम कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं इसको ऊपर से रन करता हूँ तो यहाँ देखना कि आपका यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। ये देखो। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो हमने चार तरह का डेटा देखा, फ्लोट डेटा देखा हमने, हमने इंटेजर डेटा देखा, हमने बुलियन डेटा देखा, और हमने स्ट्रिंग डेटा देखा। ठीक हो गया जी। अच्छा, ठीक हो गया जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम पता कैसे कर सकते हैं कि बेसिकली ये जो वैल्यू है हमारे पास उसमें ना जो वैल्यू है हमारे पास किस डेटा टाइप की है? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ जनाब। तो सवाल क्या है, हाउ टू नो विच टाइप ऑफ डेटा इज। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं एक टाइप का, एक फंक्शन हमें दिया गया है TYPE टाइप का। जैसे ही मैं लिखता हूं टाइप और मैं लिखता हूं अंडरस्कोर सॉरी पैरेंथेसिस, तो उसके अंदर मैं वो वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूं जिस वैल्यू की मैं डेटा टाइप फाइंड करना चाहता हूं कि किस टाइप की वैल्यू है। तो मैं लिखता हूं 1.5। और अब ये जो इनपुट, ये जो टाइप फंक्शन है, इसको मैंने दी इनपुट 1.5, और ये आउटपुट में क्या देगा मुझे बताएगा। मैं इनपुट इसको क्या दी, वैल्यू। ठीक हो गया, कह लो वैल्यू कौन सी दी, 1.5। ठीक हो गया, वैल्यू दी मैंने इसको 1.5, और ये आउटपुट के तौर पे मेरे मुझे क्या देगा, टाइप ऑफ डेटा। ठीक हो गया, या कह लो डेटा टाइप। ठीक हो गया, या कह लो टाइप ऑफ डेटा। ठीक हो गया, डेटा डेटा किस तरह का है, किस टाइप का डेटा है, फ्लोट का है, स्ट्रिंग का है, इंटीजर का है, या बुलियन का है। ठीक हो गया, तो टाइप ऑफ डेटा। तो अब ये आउटपुट, हम आउटपुट तो ये कर देगा, लेकिन क्या हम इसे देख कैसे सकते हैं? ये जो वैल्यू आउटपुट करेगा हमें उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना पड़ेगा जनाब। तो प्रिंट के लिए हम अब तक क्या यूज कर रहे हैं, प्रिंट के लिए हम यूज कर रहे हैं प्रिंट का फंक्शन। तो इसका मतलब ये है
कि इसको हमें पास करना पड़ेगा प्रिंट को, PRINT हम लिखेंगे, पैरेंथिसिस ओपनिंग पैरेंथिसिस क्लोजिंग। तो अब यहाँ पे देखो गौर से, मैं आपको समझाता हूँ कि ये हो क्या रहा है। तो होगा ये कि प्रिंट के पैरेंथिसिस के अंदर आएगा तो अंदर देखेगा तो एक टाइप का फंक्शन पड़ा है, तो टाइप के फंक्शन को चलाएगा, उसको पास कर देगा 1.5, तो 1.5 उसको पास कर देगा इनपुट के तौर पे, तो टाइप का फंक्शन आउटपुट के तौर पे क्या देगा, डेटा टाइप जो कि उस डेटा टाइप होगी वो आउटपुट देगा यहाँ पे। और जैसे ही वो यहाँ पे आउटपुट देगा तो वो पास हो जाएगी किसको, प्रिंट फंक्शन को। और प्रिंट फंक्शन तो आपको पता है वो क्या करता है, वो जो भी उसको मिलता है उसको स्क्रीन पे जाके कर देता है प्रिंट। तो आप अगर मैं रन पे क्लिक करूं तो ये देखो इसने क्या बता दिया, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है, ठीक हो गया, ये फ्लोट है। इसी तरह अगर मैं इसके अंदर डालता हूँ मिसाल के तौर पर ट्रू, ट्रू वाली वैल्यू डालता हूँ, तो ये देखो क्या देगा मुझे, देखो क्या देता है, बूल, ठीक हो गया जी। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको कुछ स्ट्रिंग, मैं इसको दे देता हूँ 34, तो इसकी क्या टाइप बताता है मुझे इसको? ये देखो इंट, ठीक हो गया जी। अच्छा इसी तरह से अगर मैं इसमें डबल कोट्स के अंदर कोई स्ट्रिंग पास करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसे स्ट्रिंग एक देता हूँ, ठीक हो गया। स्ट्रिंग हमेशा याद रखना, जब भी डबल कोट्स के अंदर कोई वैल्यू गई तो उसको आप स्ट्रिंग डेटा टाइप कहते हो, ठीक हो गया। उसकी डेटा टाइप जो होगी वो किस तरह का डेटा होगा, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा, ठीक हो गया। मैं जैसे रन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये क्या है, STR का मतलब होता है स्ट्रिंग, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में आज काफी है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अब आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं जनाब, हमारे पास 15 मिनट हैं तकरीबन, 15-20 मिनट। तो अब आपके जनाब लेते हैं हम क्वेश्चन, तो अब आ जाते हैं स्क्रीन के अंदर। हाँ जी, चीमा साहब लेक्चर्स नहीं रिमूव हो गए, मैंने कल भी ये चीज़ बताई है, लेक्चर्स यहीं पर ही रहेंगे, लेक्चर्स रिमूव नहीं होंगे, बेफिक्र रहे आप। यार C++ का तो नहीं हम कराते, C++ का, वालेकुम सलाम, C++ का नहीं शुरू किया यार, C++ के देख लेंगे, अगर डिमांड हुई तो C++ भी करवा लेंगे। वो भी अच्छी है, मजे की है C++, डिपेंड करता है ना ऑडियंस पे। प्रिंट मोमिन शाह, नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप, मतलब करना क्या चाहते हो डिपेंड करता है ना। तो देखो टाइप जो फंक्शन है वो भी एक आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है आपको, ठीक हो गया। तो जैसे ही वो आउटपुट देता है तो हम फौरन वो किसको भेज देते हैं, प्रिंट को भेज देते हैं। तो बेसिकली तो हम उसको एक आउटपुट ही दे रहे हैं फंक्शन की, जो कि टाइप वाला फंक्शन है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी जी, अवेलेबल रहेगी जी रिकॉर्डिंग। हाँ जी, हाँ जी, अपना चांद चट्ठा कर सकते हैं हम लोग। आप जिस तरह से आपने एग्जांपल दिया जेड, देखो ना पहला रूल क्या था हमारा, कि पहला कैरेक्टर जो है वो या अल्फाबेट हो या अंडरस्कोर हो, ठीक हो गया। तो आपने अल्फाबेट डाला हुआ है, टोटली वैलिड है, कर सकते हो आप ऐसा। हाँ ये जो दूसरा डाला हुआ आपने जिंदगी 5 6 7 कर सकते हो, लेकिन 98 फॉरएवर नहीं कर सकते। देखो इसमें शुरू में पहला क्या आ गया, डिजिट आ गया, वो अलाउड नहीं है, शुरू में सिर्फ अंडरस्कोर अल्फाबेट अलाउड है, ठीक हो गया। अच्छा अली को स्ट्रिंग में लिखा, लेकिन जब टेम्परेचर को 32 लिखा तो उसको स्ट्रिंग क्यों नहीं मेंशन किया? देखो मैंने बताया था कि, हाँ अच्छा मैं क्लियर कर देता हूँ,
याद रखो जब भी स्ट्रिंग वैल्यू आएगी तो तब डबल कोट्स में लिखेंगे, अगर स्ट्रिंग नहीं है, अगर फ्लोट है, इंटीजर है या बूल है तो फिर हम डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे, फिर हम कोई भी डबल कोट सिंगल कोट यूज नहीं करेंगे, सिंपल हम वो वैल्यू लिखेंगे। ठीक हो गया। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखी थी, अगर आप देखो तो मैंने ये देखो ना, ये अगर फ्लोट थी तो मैंने एज इट इज लिखी है, ठीक हो गया। फ्लोट है तो एज इट इज लिखी है, बुलियन है तो एज इट इज लिखी है, ठीक हो गया। इंटीजर है तो एज इट इज लिखी है, लेकिन जब मैंने स्ट्रिंग लिखा है तो तब मैंने उसके अंदर इर्द गिर्द डबल कोट्स डाले, ठीक हो गया। ये चीज़ थैंक यू मोमेन, अदर ऑनलाइन क्लासेस एज वेल बट कुडंट मिस। थैंक यू जी अतर 8:30 से 8:42 मतलब क्या रिपीट करना है, मतलब आप मेंशन करो ना टॉपिक, मतलब के मैं सारा तो नहीं रिपीट कर सकता, मतलब के क्या समझ आया और कहाँ कंफ्यूजन है, ये होता है असल में। मतलब ऐसा नहीं होता कि मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, तो टॉपिक लिखो, उसमें मसला क्या है, क्या सवाल है उसके अंदर, जैसे ऊपर लोगों ने लिखा है ना कि सर इसमें मसला है, अगर ये ऐसा करें तो ऐसा हो सकता है, तो इस तरह से मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, तो वो चीज है। हाँ जी, आप आराम से इसको फॉलो करो जो मैं करवा रहा हूँ, और मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी दे दूंगा, तो आप वो करो और इंशाल्लाह ऐसा ऐसा हो जाएगा। देखो प्रोसेस है पूरा, बायोलॉजी का स्टूडेंट हो या किसी, मैंने कल भी बताया, किसी भी डोमेन के स्टूडेंट हो, वो मैटर ही नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कितना एफर्ट डालते हो इसके अंदर, ये मैटर करता है, वो मैटर नहीं करता कि आप स्टूडेंट किस डोमेन के हो। चांद साहब इनशाला इनशाला बेफिक्र रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, बेफिक्र रहे हैं। तमीना नकवी मेरे ख्याल में अवेलेबल है, मैं फिर भी देख लेता हूँ, सब मैं उसको ना अलहदा से खोल के देख लेता हूँ। आई थिंक कल वाला लेक्चर तो हमने यहीं पर डाल ही दिया था, जब मैं देख लेता हूँ कि ये देखो ये देखो ये देखो पढ़ा है, ये देखो नहीं बल्कि सॉरी, ये तो वो है, लेट मी सी, बल्कि वैल्यू नहीं, अगर हम लाइव में जाएं, मेरे ख्याल में ये है, ये देखो पढ़ा है, ये देखो पढ़ा है, ये लेक्चर पढ़ा है, इसमें देखो ना आप चैनल पे जाओगे ना तो लाइव में जाओगे ना, यहाँ देखो लाइव वाला है सेक्शन है, तो जैसे ही आप लाइव में जाओगे ना तो ये देखो यहाँ पढ़ा, ठीक है, इसको जैसे क्लिक करोगे तो ये देखो कल वाला लेक्चर, तो ये कल वाला लेक्चर खुल जाएगा, ठीक है, ये कल वाला ही है मेरे सामने, हाँ जी ये कल वाला ही है, ठीक है, तो वो है, ठीक है, ठीक हो गया जी, तो ये है जनाब, तो इसको आप देख सकते हो। अच्छा फिर आ जाते हैं, ठीक तमीना नकवी मेरे ख्याल में मिल गया होगा आपको, ओके ओके ओके, रिवर्स करके देख लो, रिकॉर्डिंग देख लो, मोमिना रिकॉर्डिंग देख लो, फौरन ही अपलोड, यहाँ पर लाइव जा रहा है तो फौरन ही अपलोड हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो उसमें ये नहीं होता, कोई डिले नहीं आता, पॉसिबल कैन यू चेंज द बैकग्राउंड, इट्स नॉट विजिबल, ब्लैक बैकग्राउंड। रीता आई डोंट नो व्हाट यू मीन, मतलब क्या बैकग्राउंड, अच्छा ये वाला बैकग्राउंड मेरे ख्याल में नजर आ रहा है, किस तरह से आप कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे विजिबल नहीं है, पॉसिबल कैन यू चेंज द बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड,
अच्छा स्ट्रेंज एक्चुअल वेल इन द आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग द फर्स्ट लेटर वेरी गुड थैंक यू इसको सब पाइथन लाइब्रेरीज आप सिखाएंगे साद नहीं वो एडवांस स्टफ है हम यहाँ पे बेसिक्स करवाएंगे फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स वो एडवांस स्टफ है लाइब्रेरीज जिसमें मॉड्यूल्स आ जाते हैं मुख्तलिफ मॉड्यूल्स आ जाते हैं आगे फिर उसमें वेब आ जाती है रेप स्क्रैपिंग आ जाती है और सारा स्टफ सर उसको सर मैंने क्लास ज्वाइन की थी इसलिए ठीक है आप इससे अर्निंग कैसे होती है वो भी बताओ चांद चट्ठा मैं आपको फंडामेंटल्स करवाऊंगा ऑब्वियसली अर्निंग का तो मैंने आपको शुरू में बताया कि फंडामेंटल से आप अर्निंग तो नहीं कर पाते फॉरन ऑब्वियसली तो फंडामेंटल से आप ये है कि आपको वो आपकी बुनियादें बन जाती है उसके बाद वो एडवांस आता है और फिर डेटा साइंस आता है तो उसमें बेसिकली आप फिर अर्निंग पे आ जाते हो मतलब उसमें आप वेब स्क्रैपिंग करते हो या आप डेटा साइंस का काम करते हो डेटा एनालिसिस करते हो पाइथन के जरिए तो उसमें है पैसे अच्छे पैसे थैंक यू शाह जी थैंक यू वेलकम जी वेलकम सर जी अच्छा सो करेक्टर डेटा टाइप व्हिच एडिटर वी आर यूजिंग अच्छा यार करेक्टर डेटा टाइप सी प्लस प्लस में होती है इसमें हम स्ट्रिंग ही यूज कर लेते हैं स्ट्रिंग से सारे के सारे काम हो जाते हैं निगत अच्छा निगत दूसरा जो है ना हम जो यूज कर रहे हैं ना एडिटर मैंने जैसे पहले बताया कि हम रैपलेट यूज कर रहे हैं ये वाला ये रैपलेट यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा आप मैंने वो पिछली वीडियो के आप स्टार्ट में देख लीजिएगा मैंने डिटेल में बताया कि किस तरह से आपने इस पे अकाउंट बनाना है और किस तरह पहली फाइल तो आपने रैपलेट डॉट कॉम पे जाना है और इस पे आपने अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे ही आपको वो ये सारा आपको एडिटर आपको मिल जाएगा और यहीं पे आप कोड लिखेंगे और फॉरन रखेंगे ठीक हो गया बजाय इसके कि आप अपने कंप्यूटर पे जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते रहें और उसको सारा कॉन्फ़िगर करते रहें तो दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर कंप्यूटर और फॉर्म देखो ना एक बार कोड लिखना सीख लो एडिटर इंस्टॉल करना वो सारे काम हो जाते ठीक हो गया हो जाए नहीं नहीं जी लाइब्रेरीज नहीं सिखाएंगे ऑब्वियसली वो एडवांस स्टफ है ये फंडामेंटल्स है फंडामेंटल्स है मैंने कल भी आउटलाइन दिखाई है आप पिछली वीडियो में आउटलाइन देख लो मैंने डिटेल में दिखाई है उसमें हम लोग वेरिएबल्स इनपुट प्रिंट फंक्शन हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एल्स वगैरह हो गई फॉर लूप्स हो गए और आपके फंक्शंस क्या कैसे काम करते हैं वो सारा स्टफ जी हम करवाएंगे ठीक है अच्छा ठीक है स्लाइड्स यार मेरे ख्याल में आप आराम से देख सकते हो वीडियो में सारी की सारी स्लाइड्स और चलो देख लेते हैं देख लेते हैं सर प्रिंट की जगह डिस्प्ले नहीं, वजी यार नहीं, प्रिंट का ही फंक्शन पाइथन के अंदर प्रिंट का ही यूज होता है डिस्प्ले का ही यूज होता है अगर आपने स्क्रीन पे कुछ ना कुछ प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करवाना है तो आप प्रिंट ही यूज करते हो ठीक है और वो अगर सी प्लस प्लस में अगर हो आप तो उसमें कुछ और चीजें यूज होती है सी वगैरह लेकिन हम पाइथन की बात कर रहे हैं डिस्प्ले वगैरह नहीं यूज होता प्रिंट ही यूज होता है इस काम के ठीक है मैं जी हाँ तो हमारे पास 5 मिनट हैं जी उसके बाद हम जो है ना वो पैकअप करेंगे इसको फिर इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में ना आगे मूव करेंगे सब स्ट्रिंग क्या बला होती है और स्ट्रिंग क्या होता है एंड क्या बला होती है पेमडॉस रूल किस तरह से फॉलो करता है पाइथन और एफ स्ट्रिंग क्या बला होती है हम ये सारी चीजें इंशाल्लाह और वो चीज़ मेरे ख्याल में क्वेश्चन नहीं है और लोगों के आज हमारे पास सवाल नहीं है आई थिंक
सवाल दें, रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, और फिर हम इसको अच्छा करते हैं। अच्छा देख सकता माशाल्लाह, चलें जी। तो मेरे ख्याल में और सवाल नहीं है जी, तो हम देख लेते हैं जी, बस जी। तो हम यहाँ पे खत्म करते हैं जनाब, तो अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह हम मुलाकात होगी मंडे को जनाब, तो हमारी क्लास जो हुआ करेगी इंशाल्लाह मंडे से लेकर थर्सडे तक, तो दरम्यान में फ्राइडे, सैटरडे और संडे जो होगा ना, ये हमारा ऑफ होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, इसी तरह से ये लेक्चर हमारे यहीं पर ही होते रहेंगे। तो 20 डेज का कोर्स है जी, तो 20 दिन इंशाल्लाह ये चलेगा और इंशाल्लाह हम फंडामेंटल्स कवर करेंगे। ठीक हो गया जनाब, तो चले जनाब, अल्लाह हाफिज, और अल्लाह आपको कामयाब करे आप सबको भी, और अपनी दुआओं में प्लीज याद रखिएगा जनाब। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।